ऊपर से भी ये नजारा कुछ अलग ही दिखेगा। कोई गिरा है क्या? बारिश ने तो जोर पकड़ लिया भाई, प्रॉपर दिख रहे हो, देखो साफ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का अपने नए वीडियो में। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राम सिंधुदुर्ग राइडर। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ कोल्हापुर। कोल्हापुर क्यों, हर बार तो कोल्हापुर जाते रहता हूँ, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ कोल्हापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर और कनकवली से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक मंदिर है भगवान ज्योतिबा का। उस मंदिर में भगवान ज्योतिबा के आशीर्वाद लेने काफी टाइम से प्लान करने की कोशिश कर रहा था कि ज्योतिबा मंदिर जाते जाते जाते, लेकिन कभी मन नहीं गया वहाँ पे जाने का। ये सोच लो कि नहीं गया कभी। तो भाई रात को 2 बजे ना ये प्लान कर दिया मैंने कि आज भाई संडे का दिन है तो संडे घर बैठ के कोई मतलब नहीं है, सो सीधा निकलते ज्योतिबा मंदिर। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो या फिर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो पूरा देखा करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलता हूं आपको मोटो ब्लॉग सेटअप में। हर हर महादेव। चलो भाई टाइम हो चुका है 8:32, जो कि मेरा प्लान था 8:00 निकलने का। सो आधा घंटा लेट, नो प्रॉब्लम। तो पहले अभी आगे जाने से पहले ना मुझे एक छोटे से गैरेज में जाना है, क्योंकि इसका ना चेन थोड़ा सा लूज हो गया है या चेन सेट गया है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो पहले गैरेज जाते हैं, वो सेटिंग करते हैं, उसके बाद पेट्रोल भराते हैं, उसके बाद सीधा निकल जाते हैं ज्योतिबा। तो भाई 8:40 हो चुके हैं, लेकिन कनकवली में अभी तक थोड़ा सा फॉग है। आगे जाके ना बहुत तगड़ा वाला फॉग मिलने वाला है शायद, लेकिन देखते पहले तो ये देख। अच्छा हुआ मैंने देखा, नहीं तो आज तो भाई कांड हो जाता बड़ा वाला। ये गैरेज वाला आया है कि नहीं? अबे क्या है, क्या है, क्या है? चल भाई ना ये बघ, चेन सेट बघ, ला ला ला। गैरेज आणल्याच्या नंतर तुम्ही काम करायचं, मालकाने थोडी करायचं। अरे जेवत जा भाई, जेवत जा, थोडासा ना अंडी वंडी खा ले। चलो भाई चेन सेट का तो काम कर दिया, लेकिन पता नहीं अभी इसका आवाज़ आएगा नहीं आएगा, चांसेस है क्योंकि चेन सेट पूरा गया हुआ है, लेकिन अभी आने के बाद उसको चेंज कर दें। जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक कनकवली, यहाँ पे नवरात्र उत्सव आज से चालू हो रहा है। आज तारीख है 15 तारीख, 15 अक्टूबर, और आज से चालू होता है नवरात्रि के 9 दिवस। तो भाई आज के दिन में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं पब्लिश कब करूँगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप बिगड़ गया है, मतलब मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले गया है पूरा। तो यहाँ पे डलवाते हैं पेट्रोल। तांत्रिक बिगाड़ी मोड़े मशीन बंदा है, धन्यवाद। तो भाई अगर ज्योतिबा जाना है ना तो 2-3 रास्ते हैं। अगर आप सिंधुदुर्ग से हो या कनकवली से अगर जा रहे हो कोल्हापुर, तो आपके लिए 2 रास्ते बेस्ट है। एक तो फोंडा दाजीपुर राधानगरी, जहाँ से मैं अभी जाने वाला हूँ, और दूसरा रास्ता है बावड़ा, बावड़ा घाट से। अगर मैं ज़्यादा लेट होता हूँ ना रात को, तो फिर मैं फोंडा से नहीं आता, क्योंकि फोंडा का रास्ता रात में थोड़ा सा डरावना हो जाता है, क्योंकि बीच में ना पूरा जंगल है। रात के टाइम पे फोंडा राधानगरी अगर आप आना चाहते हो, बहुत रात हो गई, तो वो रास्ता कोई आपको सजेस्ट नहीं करेगा। इसलिए रात को अगर आप लेट आते हो, अगर आपको कोल्हापुर से सिंधुदुर्ग में आना है, तो बावड़ा रास्ता सबसे बेस्ट है और सेफ रास्ता माना जाता है। यार लास्ट वीडियो में मैं गया था बेळगाव, लेकिन बेळगाव का जो रास्ता था ना भाई, इतना खतरनाक, इतना गंदा रास्ता है ना भाई। अभी कोई बोलेगा ना बेळगाव चल, तो मेरा मन तो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, मतलब नहीं जाऊंगा सीधा सीधा, इतना खतरनाक रास्ता है। अगर मैं आधा एक घंटा जल्दी निकलता ना घर से, तो यहाँ पे भी मुझे फॉग मिलता। वैसे तो सुबह में जल्दी उठा था, 6 बजे उठा था, लेकिन बाहर देखा तो भाई तगड़ा वाला फॉग था और थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो इतने जल्दी जाके कोई मतलब नहीं है। सोचा कि पूरा दिन घूमना है तो थोड़ा सा और एक घंटा सो लेते। सुबह 6 बजे निकलने की सोच रहा था, 6-7 बजे, लेकिन फॉग देख के मैंने सोचा कि और एक घंटा सो लेते, क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। इतने दूर जाना है तो भाई थोड़ी सी नींद भी जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा एक घंटा और सोते, और मैं एक घंटा सोया और 7 बजे उठा। उसके बाद भी फॉग दिख ही रहा था, मैंने सोचा अभी ज़्यादा लेट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉग तो चाहिए चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि 8 बजे निकलते, फटाफट रेडी हुआ, 8 बजे मैं निकल गया। मतलब 8:30, 15-20 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे चल जाता है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देख रहे हो सामने, इतना फॉग फॉग दिख रहा है, जितना जहाँ पे ज़्यादा पेड़ है ना वहाँ पे ज़्यादा फॉग दिखेगा। अभी हम जा रहे हैं ना फोंडा घाट से, तो फोंडा घाट में फॉग रहेगा ही रहेगा, जो कि मज़ा आने वाला है भाई। पहुँच गए फोंडा मार्केट। गाड़ी बंद हो गई भाई की, होता है होता है भाई होता है। ऐसे अगर बीच में अगर बाइक बंद पड़ती है ना, तो इस टाइम पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन बहुत सही रहता है, लेकिन किक वाला रहेगा तो भाई पूरी गाड़ी न्यूट्रल करो, उसके बाद किक मारो,
उसके बाद गाड़ी चालू होगी, गियर डालो, निकल लो। इससे अच्छा अगर सेल्फ स्टार्ट रहेगा ना, क्लच पकड़ो और बटन दबाओ, गाड़ी चालू और निकल लो भाई। यहाँ से चालू होता है रियल वाला माउंटेन रोड, मतलब फोंडा घाट। ये देख कहाँ देख रहा है और कहाँ चल रहा है भाई, ऐसे ना करो, डर लगता है हमें। सामने देख रहे हो भाई क्या सीन लग रहा है, भाई क्या सीन लग रहा है, मजेदार एकदम। यहाँ पे भी आके रुक सकते हो, यहाँ से एक छोटा सा सनसेट दिखता है शाम के टाइम पे, लेकिन मैं यहाँ पे रुका हूँ 360 कैमरा लगाने के लिए जो कि बैक के अंदर है। लेकिन भाई सामने का नज़ारा एक नंबर लग रहा है, ऊपर से भी ये नज़ारा कुछ अलग ही दिखेगा, वो भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल तो कैमरा सेट कर दें। यार मैंने तो सोचा था कि घाट रास्ता चालू होगा ना तब से पूरा फॉग मिलेगा, यहाँ पे तो धूप निकल रही है भाई, धूप निकल रही है जो कि बुरी बात है। लेकिन भाई घाट क्रॉस करने का अलग ही मजा है, मुझे तो बहुत पसंद आता है भाई। ये जो तीन घाट है ना, एक अम्बोली का घाट, ये फोंडा घाट और तीसरा है बावड़ा घाट, इन तीनों घाट में ना एक अलग ही मजा आता है गाड़ी चलाने में। यहाँ पे क्या हुआ भाई, कोई गिरा है क्या? ओ माय गॉड, ये देखो पूरा का पूरा ट्रक नीचे गया है भाई, ये तो गजब कांड हो गया भाई, गजब कांड। हाँ कोई मरा तो नहीं रहेगा क्योंकि ट्रक ऐसे पलटी नहीं हुआ है, सीधा सीधा नीचे धसते गया है पूरा। ये पता नहीं कब हुआ लेकिन जो भी हुआ है ना खतरनाक वाला हुआ है भाई। ये सामने वाला सीन देख रहे हो, ये सीन यहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी, मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। अरे यार अभी इसको फिर से ओवरटेक करना पड़ेगा जो कि भाई भाई जाओ जाओ यार जाओ। भाई ये सामने देख रहे हो, मैंने ना एक्सपेक्ट किया था कि इस जगह पे तगड़ा वाला फॉग रहेगा, लेकिन भाई फॉग इधर बिल्कुल भी नहीं है, धूप निकली हुई है। लेकिन सामने का नज़ारा देखो भाई, सामने का क्या बात है भाई। शाम के टाइम पे यहाँ पे सनसेट होता है ना तब ये सीन ना बहुत सही दिखता है भाई, बहुत सही दिखता है। आज मैं नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आने वाला हूँ, क्योंकि घर पे जाके कोई मतलब नहीं है, सो आज थोड़ा सा लेट ही घर जाऊंगा तो रात हो जाएगी। शायद मैं यहाँ से भी ना आऊँ, बावड़ा से जाऊँ, पता नहीं। गाड़ी की कंडीशन देख रहे हो, खतरनाक। तो भाई यहाँ से चालू होता है दाजीपुर, यहाँ से राधा नगरी 29 किलोमीटर दूर, ये है पूरा दाजीपुर जो कि एक बहुत बढ़िया प्लेस है। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की हवा, यहाँ के जानवर, यहाँ के लोग एक नंबर है भाई, एक नंबर। कोल्हापुर जाना है ना तो ये रास्ते से भी आप जा सकते हो, लेकिन आज मैं ये रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, आज हम सीधा रास्ते से जाएंगे, सीधे सीधे। चलो थोड़ा सा आपको सीन दिखा देता हूँ, ये देखो यार क्या बात है यार, क्या लग रहा है भाई। सच्ची बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे ड्रोन रहता ना तो ये नज़ारा देख के आप बहुत खुश हो जाते, बहुत खुश। लेकिन ये कैमरे से बस यही इतना ही दिखा सकता हूँ यार। ड्रोन लेना है, ड्रोन लेने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना मेरे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना भाई, उस प्रॉब्लम को लेके मैं कोई चीज़ खरीद ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक हेलमेट ख़रीदना है जो कि बहुत ज़रूरी हेलमेट है, हैंड ग्लोव्स ख़रीदना है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं उनको ख़रीद नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 101 ऐसे प्रॉब्लम मेरे ज़िंदगी में आ रहे हैं ना भाई, उस प्रॉब्लम से मैं ना उठ ही नहीं पा रहा हूँ। जय गो माता। हमारे किताबों में, हिंदू धर्म की किताबों में ऐसा लिखा गया है कि अगर एक बछड़ा गाय का दूध पीते वक्त आपको दिखे तो उसको ना कुछ खिला के आगे जाओ, ऐसा मैंने सुना था कहीं पे कि ऐसा लिखा हुआ है। मुझे अभी उसका एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन है, ये चीज़ लिखी हुई है। अभी आपने लेफ्ट साइड में देखा कि एक बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा है, लेकिन मैं उसको कुछ खिला नहीं सकता क्योंकि मेरे पास खाने खिलाने जैसा कुछ नहीं है भाई। सुबह जब घर से निकला हूँ ना तब भी मैं सिर्फ चाय पी के निकला हूँ और कुछ खाया पिया नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर खाली पेट रहोगे तो कुछ करने की भूख लगती रहेगी। अगर पूरा पेट भर के आप अगर कोई काम करने जा रहे हो ना तो उस काम की वैल्यू हमें नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मेरे साथ होता है। इसलिए मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ ना तो मैं भर पेट कुछ नहीं खाता, पूरा एम्प्टी रहता हूँ ताकि भूख लगती रहे, ऐसा सोता रहे और काम बढ़िया सा हो।
तो भाई कोल्हापुर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये सीधा वाला रास्ता और एक ये रास्ता। मैं जो जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना, ये रास्ता गांव के अंदर से हर एक गांव लेते 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 जाता है। तो मैं ना जब भी कोल्हापुर जाता हूँ तो यही रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि ये रास्ता बहुत सही है और गांव-गांव से जाता है। इसका मतलब ना देखने दिखाने लायक बहुत कुछ है, इसलिए मैं ना जब भी कोल्हापुर जाता हूँ तो इसी रास्ते से जाता हूँ। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, लेकिन फिर भी चल जाता है भाई। क्या सीन है यार, क्या मज़ा आ रहा है। चलो यहाँ से लेना है राइट, अगर लेफ्ट मारोगे तो सीधा निकल जाओगे फिर से दाजीपुर। तो भाई पहुंच गए हम कोल्हापुर, लेकिन कोल्हापुर की सिटी आप यहां से देख लो, ये है कोल्हापुर सिटी। तो भाई टाइम हो चुका है 11:45 और हम पहुंच गए कोल्हापुर की अनबान शान रंगकड़ा लेक के पास। अपने लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो ये पानी, ये है कोल्हापुर की अनबान शान रंगकड़ा लेक। तो यहां से लगभग 15 किलोमीटर हमें आगे जाना है, सो 10-15 मिनट यहाँ पे कहीं पे बैठ लेता हूँ, उसके बाद निकल लेते हैं। टाइम हो चुका है 12:07, थोड़ा देर यहाँ पे आराम किया, अच्छा लगा थोड़ा यार। तो भाई और हमें जाना है 17 किलोमीटर। मैप तो लगाया क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने तक का रास्ता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी वहाँ तक गया नहीं हूँ, आज पहली बार जा रहा हूँ। कभी कभी ना ये गूगल वाले बहुत उल्लू बनाते भाई, कहाँ लेके जाते पता ही नहीं चलता। बेलगांव गया था ना तो वो एक ऐसे रास्ते पे लेके गया, वहाँ पे रास्ता ही नहीं था। ये क्या कर रहे हो भाई बीच में, पता नहीं बट कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन सामने का नज़ारा देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो भाई गजब का सीन है। फुल ट्रैफिक, क्या बात है। ज्योतिबा 3 किलोमीटर सामने, कोल्हापुर 15 किलोमीटर यहाँ से, पन्नाड़ा 12 किलोमीटर, वाघबीड़ 5 किलोमीटर, रत्नागिरी 128 किलोमीटर। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है यार, एक नंबर भाई। यहाँ से ये सीन दिखता है ये मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था कि यहाँ से इतना बड़ा सीन दिखता है भाई। क्या बात है यार, क्या बात है, देख के मजा आ गया। बस वही रोना धोना कि भाई ड्रोन चाहिए था। चल एंट्री गेट 10 रुपये। पार्किंग फ्री आहे पण हे घेणं कंपल्सरी नाही ना, कंपल्सरी आहे फ्री म्हणताय म्हणा आणि घेताय कसं काय। ये बोल रहे की गाडी पार्किंग फ्री आहे, लेकिन वहां पे जो भी मिलता है ना वो लेना कंपल्सरी है भाई, थोडी ऐसा होता है। आगे क्या सीन है वो देख के आता हूँ पहले भाई। और एक सीन देख लो तगड़ा वाला, क्या बात है यार, क्या बात है। ये पूरा नीचे गांव है सब, और लेकिन जो दिख रहा है ना भाई एक नंबर दिख रहा है। मुझे नहीं पता ये सामने वाला रास्ता कहाँ पे जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे देखना है ये सब रास्ते कहाँ से कैसे गुजरते कहाँ जाते हैं। तो भाई अभी मैं उस रास्ते से नीचे गया था ना, तो वो नीचे वाला रास्ता किसी दूसरे मंदिर में जाता है, अभी वो कौन सा मंदिर है ये मैंने नहीं पूछा। चलो भाई यहाँ पे गाड़ी लगाते, यहाँ पे कुछ लेना कंपल्सरी है, जो भी कुछ है वो ले लेते और अंदर जाते। ये मंदिर है क्या इधर आतमध्ये? हाँ तिथून आतमध्ये मंदिर आहे, आणि इकडे खाली मंदिर आहे ते कोणतं आहे? ज्योतिबांची बहीण ते मंदिर तिकडे आहे। हां तिथे जाऊन आलो मी, बघून आलो। हां म्हणजे पहिलं ज्योतिबाचं दर्शन घ्यायचं, नंतर असं चालत जायचं खाली। दख्खनचा राजा ज्योतिबा माझा। मंदिर के साइड में ही ना ये पानी की टंकी है, देखो
शायद ये पानी पीने के लिए यूज होता रहेगा। भाई सामने देखो भीड़ कितनी है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है और लाइन ना भगवान के दर्शन के लिए लाइन लंबी चौड़ी है। तो भाई इस भीड़ में, इस लाइन में खड़ा रहने के बाद दर्शन मिलने तक शाम हो जाएगी। सो ये जो लिया है ना मैंने, ये किसी साइड वाले भगवान को दे दूंगा, मतलब भगवान के चरणों पे अर्पण कर दूंगा, उसके बाद निकल लेते भाई। तो भाई टाइम हो चुका है 2:40, ज्योतिबा मंदिर देख लिया भाई। काफ़ी टाइम से ज्योतिबा आना है यही सोच रहा था, लेकिन आ नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली आज 15 तारीख को मैं आ गया ज्योतिबा मंदिर के दर्शन लेने। क्या बात है भाई, सामने का नज़ारा देख लो भाई, क्या दिख रहा है यार, एक नंबर। अभी कैमरे में कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन नज़रों से जो दिख रहा है ना, एक नंबर दिख रहा है। तो भाई ये जगह लेनी है, एक काम करता हूँ, गूगल पे का QR कोड मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ, फटाफट गूगल पे करो, ये जगह लेके रख देते अपन, आएंगे इधर बैठेंगे मस्त सामने का नज़ारा देखेंगे और क्या। तो भाई अभी 2:51 हो रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी कोई काम नहीं है, जो जिस काम के लिए हम आए थे ना वो तो काम अपना हो गया। भले ज्योतिबा का जो मेन मूर्ति का दर्शन है ना वो नहीं हुआ, लेकिन बाहर से पूरा मंदिर देख लिया, पूरा नज़ारा देख लिया। उसके बाद मंदिर के सामने ही उसी भगवान के बहन का एक मंदिर है, उस मंदिर का भी दर्शन ले लिया, थोड़ा देर बैठा, पानी वानी पिया, अब निकल गया हूँ। तो भाई अभी बहुत टाइम है अपने पास, तो मैं ये सोच रहा हूँ कोल्हापुर जाते हैं, कोल्हापुर के अंदर महालक्ष्मी टेम्पल जाते हैं, महालक्ष्मी टेम्पल जाके थोड़ा बहुत टेम्पल आपको दिखाता हूँ, मुख्य दर्शन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर वापसी के लिए। भाई सामने का सीन देखो क्या लग रहा है यार, एक नंबर। मैं ना जब से मुझे ये ढलान मिली है ना, तब से मैंने गाड़ी बंद करके रखी है और तब से मैं गाड़ी ऐसे ही छोड़ दिए, ना जाने कितना पेट्रोल बच रहा है मेरा यार, वाह क्या बात है। ओके तो भाई 4:52 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ अंबाबाई मंदिर। भाई मंदिर से बाहर निकला तो बारिश चालू हो गई है, आज की शाम बहुत खतरनाक जाने वाली है लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कैसे बारिश का तो मौसम नहीं था लेकिन बारिश तो चालू हो गई। तो भाई मंदिर में गया, मंदिर में जाने के बाद जो भीड़ देखी ना, उसके बाद अंदर जाने का मन ही नहीं किया कि खतरनाक वाली भीड़ है। तो मैंने सोचा कि अभी बाहर से ही माता का दर्शन करते और निकल जाते, तो मैंने थोड़ा देर वहाँ पे रुका, बाहर से ही मंदिर का दर्शन किया और जैसे ही बाहर आ गया ना तो बारिश चालू हुई है। देखो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही है, वहाँ सामने धूप निकली हुई है और यहाँ पे बारिश चालू। तो भाई बारिश ने तो जोर पकड़ लिया भाई, और फाइनली भाई थोड़ी सी बारिश गई, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बारिश गई है, बाकी बारिश चालू है। पता नहीं ये बीच में बारिश आएगी नहीं आएगी, जब भी आएगी छाता खोल के खड़ा रहना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में ऑफ रोड बाइक का क्रेज़ बढ़ रहा है, तो भाई ऑफ रोड बाइक का क्रेज़ बढ़ेगा नहीं तो क्या करेंगे, रास्ता ही तुम्हारा ऐसा है जैसा कि ऑफ रोड, तो ऑफ रोड बाइक का ही क्रेज़ बढ़ेगा ना। तो भाई एक बात समझ लो, इंडिया में ऑफ रोड का क्रेज़ बढ़ रहा है इसका मतलब आपके रास्ते बहुत ही ख़राब है, यहाँ पे तो बारिश का एक बूंद भी नहीं है। सही है बेटा सही है, बस मुझे वहाँ पे रुकाना था 10-15 मिनट, इसलिए वहाँ पे बारिश आ रही थी, अभी यहाँ पे बारिश का एक बूंद नहीं आ रहा है। तो भाई अभी क्या कर रहे, जल्दी बोलो कौन से रास्ते से जाए, जिस रास्ते से सुबह मैं आया उस रास्ते से वापस जाऊँ या फिर दूसरा रास्ता, जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो। चलो एक काम करते, जिस रास्ते से सुबह आया ना उसी रास्ते से हम वापस जाते। मुझे लगता है अभी 6:00 में निकला हूँ ना, तो शायद 6, 7, 8, 9, 10 तक मैं घर पहुँच जाऊँगा, 10 पकड़ लो, आराम आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी तो नहीं है। हो गया पूरा अंधेरा, और जैसे ही अंधेरा हो गया ना भाई, बारिश की हल्की हल्की बूंदें चालू हो गई है आसमान में ना, ऊपर बिजली कड़क रही है और हल्की हल्की बूंदें आ रही है। अभी मुझे ऐसा डर लगने लगा है कि मैं जब दाजीपुर में जाऊंगा, दाजीपुर के घने जंगलों में जाऊंगा ना, वो टाइम पे अगर तगड़ी वाली बारिश आ गई तो मैं क्या करूँ, छाता लेके खड़ा रहूं या फिर वैसे ही भीगते भीगते आगे जाऊं। दिल घबरा रहा है भाई, दिल घबरा रहा है भाई। एक तो ना वो पूरा जंगल एरिया है, वहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है, ऐसे टाइम पे अगर बारिश आती है और मैं वहाँ पे छाता खोल के खड़ा रहता हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगने वाला है, मेरी फटने वाली है, लिटरली फटने वाली है, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ ना तब भी मेरी फट रही है, सोचो वहाँ पे एक्चुअल में वैसा होगा तो क्या होगा। मुझे लगा था कि राधानगरी और दाजीपुर में बारिश रहेगी,
लेकिन वैसा नहीं हुआ। मुझे लगा बारिश रहेगी इसलिए मैंने ना गोप्रो निकाल के जेब में रख दिया। तो अभी मैं आ गया हूँ दाजीपुर। अभी थोड़ी देर के बाद दाजीपुर क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे फोंडा में। 7:57 पे हम क्रॉस कर रहे हैं दाजीपुर और पदार्पण कर रहे हैं फोंडा में। वेलकम टू सिंधुदुर्ग। अभी कैमरे में कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आंखों से प्रॉपर दिख रहा है। देखो साफ, जिंदा है या मर गया पता नहीं चल रहा भाई, हिल भी नहीं रहा। चलो भाई निकलते साइड से। ओके तो गाइज 8:46 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ कनकवली। यहाँ से मेरा 10-15 मिनट में घर आ जाएगा। अगर आप पीछे देखोगे तो पूरा अंधेरा है क्योंकि यहाँ पे लाइट गई है। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे ना यार, वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो पूरा देखो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, एक बढ़िया सा कमेंट करो और थोड़ा सा आप सोच लो कि ये भाई को आगे जाना है तो थोड़ा सा शेयर करना भी जरूरी है। तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।